आज हमारे साथ एक अल्ट्रा मैन है जिन्होंने आयरन मैन भी करी हुई है एंड जिन्होंने सिक्स स्टार मेजर वर्ल्ड मैराथन करी हुई है और जिन्होंने सेवन कॉन्टिनेंट्स में रन करी हुई है और वो कोई नहीं हमारे वो आदिल नारगोर वाला हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया उन्होंने हमारे को टाइम दिया आज मैं उनके साथ कुछ उनकी मैराथन और उनकी अल्ट्रा मैराथन आयरन मैन एक्सपीरियंसिस के बारे में बात करूँगा उनका नाम इंडिया के प्रोमिनेंट रनर्स में आता है आदिल सर वेलकम टू आर शो हम शुरू करते हैं आयरन मैन से अभी रिसेंटली उन्होंने एक आयरन मैन कम्प्लीट करी है जो कि इंडिया में फर्स्ट टाइम हुई थी गोवा के अंदर कैसा रहा फर्स्ट आयरन मैन इंडिया के अंदर सो थैंक यू कि you know, आपने मेरे को ये मौका दिया बात करने का आपके साथ इस माध्यम से आपके जितने व्यूअर्स हैं और जितने भी आप जो लोग फॉलो करते हैं फॉर रनिंग में या ट्रायथलॉन के लिए तो गोवा में जो इवेंट हुआ था वो लास्ट ईयर हुआ था नवंबर में नवंबर 2019 में और उस इवेंट में तो गोवा में फुल आयन मैन नहीं हुआ था इट वाज आयन मैन सेवेंटी सो क्या होता है ना आयन मैन में दो मेन कैटेगरीज़ हैं जो आयन मैन वन बोलते हैं और आयन मैन सेवेंटी बोलते हैं आयन मैन वन में जो डिस्टेंस होता है वो 3.8 किलोमीटर का स्विम होता है 180.2 एटी किलोमीटर्स का बाइक राइड होता है और 42.2 टू पॉइंट टू किलोमीटर्स का जो फुल मैराथन होता है वो रन होता है ये तीनों चीज़ें एक साथ करनी पड़ती हैं वन बिहाइंड दी अदर इन अ टोटल डिस्टेंस टाइम इज गिवन अबाउट सेवेंटीन आवर्स ओके जो आयन मैन होता है वो इसका हाफ डिस्टेंस हो जाता है हर हर डिसिप्लिन में So instead of a 3.8 kilometer swim, it becomes a 1.9 kilometer swim. Similarly, a 90 kilometer bike ride and a 21.1 kilometer or a half marathon at the end of the event. So the time given also then reduces by half instead of 17 hours, you get eight and a half hours to finish the, the event in. So that's that's the difference. So what happened in Goa was a 70.3. Uh, obviously, first time India mein hua, It was India ke matlab uh, there were nearly about over 900 participants I think in the event. मोस्ट ऑफ दैम वर्क फ्राम वो इंडियन जमीन हमारे देश के सब लोग थे एंड इट वाज अ बिग प्लेटफॉर्म फॉर अ लॉट ऑफ पीपल बिकॉज पहली बार उनको एक आयन मैन ब्रांडेड इवेंट में मतलब उन्होंने पार्ट लिया अदरवाइज़ कई लोगों ने इवेंट्स कराए हैं पहले इंडिया में दिल्ली में भी हुए हैं दिल्ली और शहरों में भी हुए हैं इंडिया में बट वो आयन मैन ब्रांड नहीं था डिस्टेंस बेसिकली बेशक सेम था बट वो थोड़ा सा तो पहली बार वो आयन मैन ब्रांड का जो इवेंट हुआ है एंड दैट गेव एक्सपोजर कुछ बाहर के एथलीट्स भी आए थे इस इवेंट के लिए दैट गेव एक्सपोजर टू द यू नो टू ऑल आवर पीपल द द ग्रेट थिंग वॉज कितने लोग जो आए थे देखने के लिए इवेंट को यू नो दे वुड ऑल्सो गॉट मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड बाई ऑल द एथलीट्स वू आर रनिंग एंड जो बाहर इवेंट्स होते हैं ना उसमें काफ़ी कॉस्ट हो जाती है आफ्टरऑल आपको ट्रैवल करना पड़ता है तो टिकट्स की कॉस्ट है फिर नए देश में जा रहे हो बाहर जा रहे हो तो उसकी कॉस्ट है फोस्टे uh, और एक थोड़ा सा एक थोड़ा सा अप्रहेंशन भी होता है या एक नर्वसनेस भी होती है कहीं और जाके यू you नो know, सब कुछ सब कुछ करना अपने देश में थोड़ा सा इजी इजी होता है अब अगर सेम इवेंट समझो यूरोप में हो या यूएस में हो तो उसकी कॉस्ट उसमें आना जाने का टाइम जो लग रहा है और जो आप यू नो जो प्रेपरेशन करनी पड़ेगी उसमें डिफरेंस एलिमेंट होता है कंपेयर टू तो अगर कोई इवेंट आपके यू you नो know, सेम सेम शहर में हो रहा हो या सेम देश में हो रहा हो तो इससे इस पहले कुछ कर रखे हैं जो आयरन मैन डिस्टेंसेज कवर करते हैं क्या था कि एज uh, कैटेगरी होता है सो so, हर आयरन मैन इवेंट में ना वर्ल्ड वाइड एज कैटेगरी की रैंकिंग होती है okay. तो मेरा एज कैटेगरी जो है वो एज है फिफ्टी फिफ्टी फोर ईयर्स के बीच का जो कैटेगरी है वो मेरा एज कैटेगरी है तो मैं उसमें फोर्थ था ओवरऑल ओके बट फर्स्ट इंडियन था ओके बट आई वाज नॉट फर्स्ट तो टेक्निकली मैं फोर्थ था ठीक है आप आयरन मैन में ना बहुत सारे इवेंट्स होते हैं साल भर में दुनिया भर में जगह जगह इवेंट्स होते हैं और उन इवेंट्स में कई हज़ारों में लोग पार्टिसिपेट करते हैं एक्चुअल हर इवेंट में तीन तीन हजार लोग ढाई ढाई हजार लोग ऐसे इनको पार्टिसिपेंट्स होते हैं तो जब सारे इवेंट्स में आप देखो तो कई एक कुछ लाख लोग हो जाते हैं साल में जो आयन मैन में पार्टिसिपेट करते हैं काफ़ी लोग उसको फिनिश कर लेते हैं कुछ लोग फिनिश भी नहीं कर पाते हैं इट्स अ टफ इवेंट ठीक है पर इन इस कैटेगरी में जो टॉप टेन फिनिशर्स होता है उसको ब्रॉन्ज का खाता मिलता है ठीक है ना सो आई एम ए डब्ल्यू दैट इज एन ऑल वर्ल्ड एथलीट ब्रॉन्ज फिनिशर फॉर लास्ट ईयर फॉर आयन मैन सो आई आई स्टूड इन द ट परसेंट ऑफ ऑल दो थाउजेंड ऑफ पीपल हु पार्ट इन माई एज कैटेगरी तो देर इज वन मोर थिंग अल्ट्रा मैन ये अल्ट्रा मैन क्या है और ये कितना डिफरेंट है आयरन मैन से जरा इसके बारे में बताएंगे आप so, सो दोनों ट्राइथलॉन्स हैं ठीक है ट्रायथलॉन का मतलब थ्री यू स्टार्ट विद स्विमिंग देन साइकिल एंड फाइनली यू रन तो अल्ट्रा मैन हो आयरन मैन हो या फिर ओलंपिक डिस्टेंस स्प्रिंट डिस्टेंस कई सारे ट्रायथलॉन में अलग अलग डिस्टेंसेज होते हैं वो सब ट्राइथलॉन है सब में स्विमिंग साइकिलिंग और रनिंग होता है फ़र्क ये होता है इन सब डिस्टेंसेज में जैसे जैसे डिस्टेंसेज बढ़ते जाते हैं इनके टाइटल्स चेंज हो जाते हैं तो जो आयन मैन है जैसे मैंने आपको पहले कहा था आयन मैन सत्रह घंटे का टाइम मिलता है जिसमें आपको थ्री पॉइंट एट सिक्स किलोमीटर्स स्विम वन एटी पॉइंट टू किलोमीटर्स साइकिल राइड एंड फोर्टी टू पॉइंट टू किलोमीटर्स का रन करना होता है जो अल्ट्रा मैन है उसमें दस किलोमीटर स्विम होता है चार सौ चौबीस किलोमीटर साइकिल होता है और एटी फोर पॉइंट फोर किलोमीटर का रन होता है और इसके लिए आपको छत्तीस घंटे मिलते हैं फ़र्क़ यह है कि आयन मैन एक ही दिन में सत्रह घंटे में सारा हो जाता है अल्ट्रा मैन आप तीन दिन में डिवाइड होता है बारह बारह घंटे के आपको फिनिशर्स होते हैं तो उसमें फ़िनिश करना पड़ता है तो पहले दिन बारह घंटे मिलते हैं दूसरे दिन बारह घंटे मिलते हैं तीसरे दिन बारह घंटे मिलते हैं ऐसे करके छत्तीस घंटे होते हैं और हर चीज़ का कट ऑफ होता है तो आपका कट ऑफ मीट नहीं होगा आप डिस्कवालीफाई हो जाओगे मतलब कोई भी इंडोरेंस इवेंट हो जिसमें आपने सुबह से लेकर शाम तक यू नो बारह पंद्रह घंटे उसमें लगातार मतलब आपने यू नो परफॉर्मेंस करनी है आपने आपका जो बेस्ट आप कर सकते हैं वो करना है एक अल्ट्रा मैन एक आयरन मैन के माइंड में क्या चल रहा होता है जब वो इस एंड इवेंट के थ्रू जा रहा होता है तो आपने बहुत सही सवाल पूछा ये इट्स ऑफ इट अबाउट इज ऑल्सो मेंटल टफनेस ठीक है कि आप कितने स्ट्रांग हैं आपका माइंड कितना स्ट्रांग है बिकॉज कई बार बॉडी हार मानने लगती है इट इज इट यूर लाइक फॉर एग्जाम्पल आपके पैरों में दर्द हो रहा है आपके दिमाग बोलता है शट अप लेग्स कंटिन्यू रनिंग या कंटिन्यू साइकिलिंग ठीक है तो देर इज अ लॉर्ड ऑफ मेंटल टफनेस और मेंटल स्ट्रेंथ इन्वॉल्ड इन एनी इन्जोरेंस इवेंट एंड इट कम्स विथ यू नो आप कभी हार मत मानिए मेरा तो हमेशा ये रहा है कि अगर आप इवेंट में एक बार घुस गए तो फिर आपने उसको ख़त्म करके ही बाहर आना है यू नो बीच में निकलने या कोई मतलब कोई ऑप्शन मेरा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होता निकलने का कितना भी दर्द हो रहा हो कितना भी मतलब थकान लग रही हो आप थोड़ा उसको आ, बेशक आप सो so, सो so, इवेंट्स की जैसे मैंने आपको पहले बोला ना अगर आपकी ट्रेनिंग अच्छी रही होगी अगर आपने अच्छा एक किसी कोच का प्रोग्राम फॉलो किया है या खुद का प्रोग्राम फॉलो किया है पर बेसिक अच्छी ट्रेनिंग करी है यू हैव बिल्ड द राइट बेस द राइट फाउंडेशन यू विल वेदर द इवेंट इनफैक्ट आपका इवेंट अच्छा जाएगा बेस जितनी दर्द आपको ट्रेनिंग में हो रही है उससे कम दर्द आपको इवेंट में होगी इफ़ यू हैव पुट इन द राइट एफर्ट सर एक सवाल और है कि जैसे हमें पता है एक इवेंट कैलेंडर होता है तो आप एक इवेंट को लेके ट्रेन कर रहे होते हैं या कि there is एक general routine है आपका कि हाँ यार मैं अपना जनरल पर वीक बेसिस जो जो तो आ, दोनों चीज़ें होती हैं एक्चुअली सुधीर दोनों चीज़ें होती हैं क्या है कि आ, अगर आपने कोई इवेंट को रजिस्टर कर लिया अब ऐसा है ना आ, अगर आप समझो साल में पच्चीस इवेंट कर रहे हैं सारे ऑल इवेंट्स कान बी अ लॉट ऑफ एन इवेंट यू यूज इट एज ट्रेनिंग ग्राउंड ठीक है एवरी इवेंट कान इफ यू इफ़ यू ट्राई टू रन एवरी इवेंट एज अ रेस नो देन आपको नुकसान ही होगा आपको फायदा कुछ नहीं होना बिकॉज यू हैव टू बिल्ड बेस नंबर वन सेकेंडली यू हैव टू स्टे इंजरी फ्री ठीक है एंड थर्डली यू वॉन्ट टू पीक एट द राइट टाइम एट द इवेंट यू वॉन्ट एज योर मेन इवेंट ऑफ द ईयर ओके तो अगर मैंने समझो मेरा समझो मेरा आयन मैन इवेंट लाइट सज छः महीने बाद है ठीक है तो मैं ट्रेनिंग शुरू करूंगा समझो आज से शुरू कर रहा हूँ छः महीने का मेरा एक प्लान होगा ये एक मैं प्लान फॉलो करूंगा उस छः महीने के लिए टू शो दैट आई पीक एट द राइट टाइम फॉर दैट इवेंट अब बीच में अगर जो मैं इवेंट्स कर रहा हूँ देस इवेंट्स हैव टू फिट माई प्लान तो अगर मेरे इवेंट में समझो मेरी ट्रेनिंग प्लान में लिखा है कि मैंने हाफ, हाफ मैराथन डिस्टेंस भागना है एट ए लेस इजी स्पीड आई एम बिल्डिंग बेस तो फिर मैं कोई लोकल इवेंट में हाफ मैराथन में रजिस्टर करके मैं आराम से सवा दो घंटे ढाई घंटे में उसको भागूंगा दो मेरा फास्टेस्ट टाइम पौने दो घंटे का है एक छियालीस का एक पैंतालीस का मेरा बेस्ट हाफ मैराथन का पीआर है बट फिर भी मैं उसको एक पैंतालीस में भागने की कोशिश नहीं करूंगा क्योंकि वो मेरा मेन इवेंट नहीं है मेरा मेन इवेंट तो आए मैन है जो छः महीने बाद है तो मैं उस इवेंट को दो घंटे सवा दो घंटे ढाई घंटे में भी आराम से भागूंगा इवेंट में क्या है आप जैसे लोग मिल जाते हैं दोस्त यार मिल जाते हैं तो उसमें थोड़ा मजा आ जाता है फिर इवेंट खत्म होता है एक मेडल मिलता है लोग फोटो वगैरह खींचते हैं ना इट्स अ गुड फील सेम वे इन एन इवेंट वी कम एंड डू इवेंट्स ओके बट आई विल ऑलवेज हैव अ गोल ऑफ अ मेन इवेंट एंड अ ट्रेनिंग प्लान टू मीट दैट गोल सर uh, तो इवेंट से मेरे को एक चीज़ और रिमेंबर uh, आई एक और चीज़ ध्यान में आई मेरे को कि आपने आपका एक रिकॉर्ड है लिमका बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपका नाम है कि आपने हर वीकेंड पे रन करा इनफैक्ट हर वीकेंड क्या वीकेंड से ज़्यादा रन करा इन एयर ऑफ फिफ्टी टू वीकेंड्स यू रैन सिक्सटी इवेंट्स तो uh, क्या है वो बेसिकली सो so, uh, क्या हुआ था कि उस साल में मेरे कुछ तीस चालीस इवेंट रफली हो गए पैंतीस चालिस के आसपास इवेंट हो गए तो मेरा गुड़गांव में एक दोस्त है उसने बोला कि यार इतने इवेंट कोई साल में पता नहीं किसने किए कि नहीं किए आप लिंक बुक के रिकॉर्ड के लिए ट्राई करके देख लो तो मैं चला गया पता चला कि आ, मतलब कोई एप्लीकेशन फॉर्म है वो भर दीजिए तो ऐसे मैंने उसको भर के डाल दिया और फिर मैं उस एक्चुअली भूल भी गया उसके बारे में कुछ छः महीने बाद मेरे को एक ईमेल आती है कि जी आपका रिकॉर्ड हो गया है और आप सर्टिफिकेट कलेक्ट कर सकते हैं तो बड़ी खुशी हुई मैं गया सर्टिफिकेट लेकर आया बहुत अच्छा लगा कि यू you नो know, पहली बार मतलब अचीवमेंट है फिर मैंने सोचा बिना प्लान करे अगर आदमी को एक रिकॉर्ड मिल जाता है ऑफ़ डूइंग थर्टी फोर्टी इवेंट्स इन अ ईयर तो व्हाई नॉट डू द होल ईयर एन इवेंट आई टुक पार्ट इन सम इवेंट समवेयर एवरी संडे एंड समटाइम्स टू इवेंट्स आल्सो कभी कभी ऐसा होता था कि कोई नाइट इवेंट हो रहा है तो मैं रात को ही भाग लिया सुबह ही भाग लिया तो ऐसे करके मैंने सिक्सटी इवेंट्स किए तो Uh, इतना मुश्किल भी नहीं है इफ़ यू आज भी सुधेर जी इसके बारे में ठीक है इट्स इट्स मोर ऑफ अ डिसिप्लिन थिंग कि आप मत मिस मत करो मत सो नेक्स्ट टाइम एन आई डिरेट आई डिरेक्ट प्लान एंड आई डेट सिक्सटी आपने स्टार में जो वर्ल्ड मैराथन भी कर रखा है तो वो क्या है जरा वो थोड़ा आप बताएंगे उसके बारे में मैराथन दुनिया में सब जगह होते हैं ठीक है इंडिया में भी होते हैं कई शहरों में गाँव में यू uh, नो you know, छोटे शहरों में वर्ल्ड में जगह जगह होते हैं मैराथन ठीक है मैराथनज़ में फोर्टी टू पॉइंट टू किलोमीटर डिस्टेंस एक तय है जो स्टार्ट पॉइंट से लेकर फिनिश पॉइंट तक होता है अब जरा सिक्स वर्ल्ड मेजर्स जो हैं वो छः शहर हैं जो सबसे बड़े रन हैं वर्ल्ड के वो माने जाते हैं तो जैसे एशिया में एक है टोक्यो में जापान में फिर यूरोप में दो हैं जर्मनी में बर्लिन लंडन यू में और यू में तीन हैं न्यूयॉर्क शिकागो और बॉस्टन ठीक है ये छः सिटीज़ मिला के अगर आप ये सारे छः मैराथन पूरे करते हो तो आपको सिक्स स्टार या वर्ल्ड मेजर मैराथन का एक अलग से मेडल मिलता है एक अलग से सर्टिफिकेट मिलता है तो मैंने सारे छः छः जितने भी ये मैराथन है अलग, अलग अलग शहर में ये सारे पूरे किए हैं शुरू किया था मैंने न्यूयॉर्क से उसके बाद लंदन किया था फिर मैंने न्यूयॉर्क लंदन के बाद बर्लिन बर्लिन शिकागो शिकागो के बाद टोक्यो फिर बॉस्टन ये मेरा छे ऐसे मैंने किया था और सारा मैंने रफली डेढ़ साल के अंदर में सारे पूरे किए थे ये तो गाइस जो आप हम लोगों को देख रहे हैं मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जैसे मैराथन होते हैं ये इन मैराथन का जो क्वालिफिकेशन होता है इट्स नॉट वेरी सिंपल मतलब मैंने देखा बहुत अच्छे अच्छे रनर्स जो होते हैं वो भी कई बार चूक जाते हैं इन मैराथन को क्वालिफाई करने से तो ये शुरू कैसे हुआ था Uh, हम लोग यूएस जा रहे थे मेरा बड़ा बेटा बाप उस वक्त पढ़ाई कर रहा था तो हम लोग यूएस जा रहे थे तो uh, हमें पता चला कि न्यूयॉर्क में मैराथन होता है तो मैं और मेरी वाइफ न्यूयॉर्क भागे और उस वक्त हमें पता चला कि एक सिक्स वर्ल्ड मेजर्स भी कोई चीज़ होती है दिमाग में बात बैठी कि अब एक किया है तो बाकी के पाँच भी करने हैं और जब मैंने सिक्स वर्ल्ड मेजर किए तो पता चला कि एक सेवन कॉन्टिनेंट्स मैराथन भी लोग करते हैं

ठीक है तो जब मैंने बॉस्टन भागा था मैं मेरा बॉस्टन वॉज माई सिक्स रन ठीक है आउट ऑफ द सिक्स तो जब मैं बॉस्टन में मैंने फिनिश लाइन क्रॉस की तो उस फिनिश लाइन पे मेरे को दोनों मेडल मिले बॉस्टन का भी मेडल मिला मेरे को और मेरे को मेरा वर्ल्ड मेजर्स का मेडल भी मिला कितना अच्छा है ऐसा नहीं है कि रनिंग कम्युनिटी इज़ वेरी प्रोफेशनल कम्युनिटी अगर हम बात करते हैं रनिंग जिस लेवल की हम रनिंग करते हैं तो इतना प्रोफेशनल है मुझे लगा कि शायद एक छठा मेडल बाय कोरियर एथलीट को आया था ऐसा नहीं है आ, पूरा ध्यान रखा जाता है एवरी रन इज रजिस्टर्ड एंड आपको उसी टाइम पे सिक्स मेजर का मेडल मिल जाता है कि इस रनिंग के उसमें क्या एक्सपीरियंस रहा आपका कुछ एक ऐसा एक जो एक्सपीरियंस जो आपको लगता ही हाँ है हाँ यार मतलब वाई वाई वन छुट so, देखो मैं सब कई कई जगह भागा मैं ऑस्ट्रेलिया भागा हूँ अफ्रीका में किली बन जा रहा दो दिन के बाद मैराथन भाग लिया ठीक है इट्स अ टफ थिंग इट्स आई 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 द किली डबल कि एक तरफ आप पार्ट चढ़ रहे हो इट्स द हाइस्ट माउंटेन इन अफ्रीका किली बन ठीक है एंड देन आई रैन द मैराथन टू डेज लेटर द किली मैराथन ठीक है बड़ा मज़ा आया नई जगह जाते हो नए चीज़ देखते हो नए लोगों से मिलते हो तो इट्स नॉट जस्ट द रन इट्स अ होल लॉट ऑफ थिंग्स विच यू कैरी विथ यू ओके विच यू गो यू सी यू एक्सप्लोर यू अंडरस्टैंड यू एक्सपीरियंस ओके सो मेरा वो बिलीफ है कि इतनी बड़ी दुनिया है इसमें इतना कुछ देखने को है exactly. ठीक है एंड लाइक ए सेट आई वुड राधर स्पेंड माई मनी इन एक्सपीरियंस अब फॉर एग्जाम्पल न्यूयॉर्क है इट्स द बिगेस्ट रन इन द वर्ल्ड पचास हज़ार फुल मैराथन रनर्स एक साथ भाग रहे होते हैं द फर्स्ट पर्सन से लेकर लास्ट पर्सन में फ्लैग ऑफ में ही नियरली दो घंटे लग जाते हैं पचास हज़ार रनर को देखने के लिए दस लाख से ऊपर आदमी रोड पर खड़े हैं इतना इलेक्ट्रिक एटमोस्फियर होता है मैं आपको डिस्क्राइब ही नहीं कर सकता ठीक है जब आप आयन मैन करने जाते हो जैसे मैंने स्वीडन में अपना आयन मैन किया था वहाँ पर सारी दुनिया रोड पर आ जाती है और आप आपको ऐसा लगता है कि आप हीरो है उसमें ठीक है ना मतलब जैसे आप कोई बड़े फिल्म स्टार हैं कोई रॉक स्टार है वो फीलिंग आती है आपको रोड पे जब आप भाग रहे होते हो और पूरी दुनिया आपके चारों तरफ खड़े होकर आप, आपका नाम पढ़ती है बिप पे आपका नाम से आपको पुकारती है चिल्लाती है आपके लिए आपके लिए मतलब चेयर करती है वो फीलिंग आपको उसका उसकी कोई कीमत नहीं है सुधीर उसको कोई मतलब आई कैन नॉट इवन यू नो पुट एनी वैल्यू टू टू दैट इमोशन और टू दैट फीलिंग जब मैंने अंटार्क्टिका भागा मेरा हाथ टूटा हुआ था मैं चार दिन जाने के पहले मेरा मैं गिर गया था और मेरा हाथ टूट गया था यहाँ से बिल्कुल क्रैक बिल्कुल प्रॉपर फ्रैक्चर हो गया था यहाँ यहाँ सब डॉक्टर्स वगैरह ने मना कर दिया कि आप मत जाइए आपका हाथ टूट गया आप कैसे मैनेज करोगे ये वो मैं पहुँच गया और भाग के भी आया वहाँ मैराथन और उसके दो दिन बाद मैं साउथ अमेरिका में भागा फुल मैराथन पुंटा पोन्टारिनाज में ठीक है ना सो द फीलिंग अब वहाँ बर्फ़ में भागना साथ में पेंगुइन चल रहे हैं ठीक है बर्फ़ पड़ रही है ठंड है हम बड़े बड़े जैकेट पहन के भाग रहे हैं बैर की तरह क्लोदिंग पहन रखी थी बट मज़ा आ रहा था हाथ टूटा हुआ था बुखार चढ़ा हुआ था फिर भी मज़ा आ रहा था एक्सपीरियंस था वो एक तो ऐसे एक्सपीरियंसेस का सब जो मज़ा है वो वैसे नहीं। तो आदिल इज वॉट यू सी इन फ्रंट ऑफ यू ठीक है आई एम रेजिडेंट ऑफ डेली बॉर्न ब्रॉट अप इन डेली स्टेट फॉर सम टाइम इन गुड़गांव डेली हाउस इन गुड़गांव आई 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 सो सो लिव लिव इन You know, I work for WNS. It's a large multinational uh, IT services company. Uh, I am the global talent acquisition head of the company, and we've been—I've been with WNS now for 17 years. I also manage the sports portfolio. I made—you know—because of me, so many people have you know started, and we have built a very strong team in the company to handle different sports activities and. पिछले साल हमारे दस हज़ार से ऊपर लोगों ने पार्टिसिपेट किया है इन डिफरेंट स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ बिकॉज आई बिलीव दैट फिटनेस एंड हेल्थ इज अ वे ऑफ लाइफ फॉर मी एंड इट शुड बी फॉर अदर्स ऑल्सो सर वन लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन कि जो हमारे और रनर्स हैं ऑफकोर्स मैंने बहुत इंस्पायरिंग रहा आपने जो मुझे बताया सब कुछ कि इस हेल्दी लाइफ के लिए क्या कर सकते हैं अगर कोई रनिंग टेकऑफ करना चाहता है तो आपका क्या मंत्रा है इसके लिए मेरे से ऐसा है ना शुरू में वो तो पिछले कुछ आई कैन से ह्यूमन सिविलाइजेशन ऑफ मैन लास्ट फिफ्टी हंड्रेड ईयर्स से थोड़ा सिलेंट्री हो गया है बाई बाई नेचर वी आर सपोज टू बी मूविंग वी आर सपोज टू बी पीपल और अ रेस दैट इज़ ऑलवेज डूइंग थिंग्स ऑन देयर फीट तो मेरे ख्याल से रनिंग इज़ नॉट डिफिकल्ट एनी थिंग यू डू इन लाइफ देर आर सम बेबी स्टेप्स यू हैव टू टेक तो सिमिलरली अगर किसी को रनिंग शुरू करनी है तो ये मत सोचिए कि आपने मैराथन भागना है आप सोचिए कि आपने दो किलोमीटर पाँच किलोमीटर के छोटे छोटे वॉक रन टाइप इवेंट शुरू करने इवेंट भी नहीं सिर्फ ट्रेनिंग करिए और थोड़ा सा रनिंग से क्या डिसिप्लिन आएगा आप सुबह जल्दी उठेंगे और वॉट बेटर वे टू स्पेंड देन टू डू समथिंग फॉर बॉडी गाड़ी में थोड़ी सी चूँ आवाज़ आती है आप सर्विस कराने चले जाते हो उसको रिपेयर मैकेनिक के पास पहुंच जाते हो तो बॉडी को आप सब सोचिए आप बॉडी के साथ भी वही कीजिए ना बॉडी को अच्छी तरह ट्यून में रखिए उसके ढंग से सर्विस कीजिए अच्छा खाना खाइए सुबह टाइम से उठिए कोई एक्सरसाइज कीजिए रनिंग कीजिए टेनिस खेलिए कुछ भी करिए मैं यही नहीं कह रहा सबको रनिंग करनी चाहिए जो आपके मन में आ रहा है जिससे आपको प्रशंसा होती है जिससे आपको अच्छा लगता है जिससे आपको आनंद आता है वो एक्टिविटी आप सुबह कीजिए सो देफो माई एडवाइस टू एवरीबडी इज़ डू इट ग्रेजुअली बिल्ड इट ओवर टाइम एंड रीच अ सर्टन पॉइंट एंड देन मेंटेन इट देर तो आपने बेसिकली आपके अपनी हेल्थ और अपनी हैप्पीनेस के लिए भाग रहे हो इन्जॉय करो उसको सो थैंक लॉट सर हमीन अपना कीमती समय देने के लिए और अमीन I mean, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए तो दैट्स इट सर थैंक सो थैंक यू वेरी मच यार सुदीप आई थिंक इट्स ग्रेट एंड क्या कहते हैं आई होप विश यू ऑल द बेस्ट